ओम शांति 16 जनवरी बाबा कह रहे हैं तुम यहाँ बैठे हो तो इस ख्याल में बैठना चाहिए कि शिव बाबा हमारा परम पिता बाप टीचर और सदगुरु है इसके चिंतन में बैठे रहो तुम्हें यहाँ सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठना है देवताओं को स्वदर्शन चक्र दिखा दिया है पर देवताओं को तो ज्ञान दिया नहीं जाता क्योंकि वो तो पवित्र हैं प्रारब्ध में हैं। ज्ञान तुम ब्राह्मणों को दिया जाता है तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो ऐसरी होने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कि अब इस देह को छोड़कर हम चले अपने धाम मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ राजयोग से ही तुम पवित्र बनते हो अगर योग बल नहीं है तो पवित्रता में कठिनाई होगी माया तंग करेगी आपको गिरा देगी आज माया की ये जो लीला चलती है इस पर बाबा अपने बच्चों को बहुत सावधान कर रहे हैं तुम्हें ज्ञान का विचार मथन भी करना चाहिए और योगयुक्त भी रहना चाहिए तब तुम पवित्र बनते जाओगे ज्ञान के चिंतन से तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते जाओगे तुम्हारे विकर्म भी योग बल से नष्ट होते जाएंगे पवित्रता की शक्ति भी बढ़ती जाएगी लेकिन बाबा कह रहे हैं बहुत सावधान कर रहे हैं आज बच्चे श्रीमत पर चलो और शुरू किया ध्यान और योग दोनों अलग अलग चीजें हैं ध्यान में जाना माना ट्रांस में जाना इसमें साक्षात्कार भी होते रहते हैं वो अलग चीज है लेकिन उसमें कहीं कहीं माया भी अपना काम कर लेती है योग एक अलग चीज है योग बहुत बड़ा बल है बाबा कह रहे देखो ध्यान में जाने वाले जो योग अच्छा नहीं करते थे वो आज है नहीं अच्छे अच्छे महारथी जो दूसरों को बहुत ज्ञान देते थे दूसरों को उठाते थे वो भी माया से हार खा गए ऐसे बच्चे जिन्होंने बाबा के खजाने में अपना सब कुछ जमा कर दिया वो भी माया से हार खा गए तो माया बड़ी प्रबल है तुम सभी को बाबा कदम कदम के लिए श्रीमत दे रहे हैं तुम्हें श्रीमत पर चलते रहना है तो सावधानी मिलती रहेगी तुम्हें अहंकार नहीं होना चाहिए मुरली क्यों पढ़े ज्ञान तो सारा मिल गया याद रखो अगर तुम मुरली नहीं पढ़ोगे सुनोगे तो तुम्हें देख दूसरे भी वैसा ही करेंगे तो तुम्हारी भी सदगति नहीं होगी दूसरों की भी सदगति नहीं होगी इसलिए मिथ्या अभिमान कहीं नहीं होना चाहिए मिथ्या अभिमान वाले ही यज्ञ में विघन डालते हैं तुम्हें तो उच्च पद पाना है देखो आज भी दुनिया में कितने पद होते हैं जिनके बाद धन है ठाट बाट है सुख से रहते हैं भले ही वो अल्पकाल का है सतयुग में भी भिन्न भिन्न पद हैं तो तुम्हें माया से हार नहीं खानी है बाबा सावधानी दे रहे हैं बच्चे श्रीमत के बिना कमेटी बनाते रहते हैं पर चिंतन करते रहते हैं जिसको झरमुई झंगमुई कहते हैं बाबा व्यर्थ चिंतन में रहते हैं वातावरण खराब होता है बाबा कह रहे हैं यही यज्ञ में सबसे बड़ा विघ्न है क्योंकि चिंतन से यज्ञ कमजोर बनता है और जितने हम योग युक्त रहेंगे यज्ञ पावरफुल हो जाएगा बाबा कह रहे हैं बच्चों को सावधान कर रहे हैं देखो बाबा ने भी माताओं की कमेटी बनाई अपना सब कुछ उनके आगे समर्पित किया कलश बहनों को दिया माताओं को दिया ऐसे लक्ष्मी के हाथ में कलश दिखाते हैं तुम बच्चे भी कमेटी बनाते हो तो एक दो बहने हेड होनी चाहिए जिनकी मत पर सारा कार्य चले लेकिन बच्चे अपने को बुद्धिमान समझते हैं अहंकार रखते हैं बहनों को सम्मान नहीं देते इसलिए डिसर्विस बहुत हो जाती है गड़बड़ हो जाती है कई बच्चे पीछे निकल जाते हैं जिसको बाबा ने आज का देवाला मार देते हैं बाबा कह रहे लौकिक में काम धंधों में पुरुष देवाला माल मारते हैं जो लेडीज हैं वो ट्रस्ट वर्दी रहती हैं लेकिन यहाँ ज्ञान योग के मार्ग पर पुरुष स्त्री लेडीज और जेंट्स सभी देवाला मार देते हैं माया से हार खा लेते हैं तुम्हें इस काम महत शत्रु से बहुत ही सावधान रहना है ये कहीं भी तुम्हें गिरा सकता है अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान और योग की कमी होगी तो ये माया तुम्हें गिराती रहेगी और फिर अहंकार में कुछ कुछ और काम करते रहेंगे श्रीमत से ही सेंटर भी खोलने हैं बच्चियाँ रखी हैं जहाँ तक उनसे राय सलाह करके फिर गीता पाठशाला या सेंटर खोलनी है नहीं तो अभिमान आता है और यज्ञ में बहुत सारे विघन पड़ते रहते हैं तो तुम्हें आज मुरली में ज़्यादा यही है माया से हार नहीं खानी है माया बहुत प्रबल है चलते चलते देवाला मार देते अच्छे अच्छे बच्चे जिनको बाबा बहुत आगे रखते थे आज हैं नहीं दस दस साल चल के भी गुम हो गए क्योंकि माया से चोट खाकर गिर गए तो बाबा बार बार हमें सावधान कर रहे हैं मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाने के लिए अब तुम्हें कोई ऐसा काम नहीं करना है जो श्रीमत की अवज्ञा हो क्योंकि अंत में साक्षात्कार तो बहुत होंगे सबको दिखाया जाएगा तुम ये पद पाते हो ये बड़ा पद क्यों नहीं पा रहे हो तुम महारानी क्यों नहीं बन सकती तुमने ये ये विकर्म किए हैं ये ये अवज्ञा की है तो सबको बाबा साक्षात्कार कराएगा इस समय तुम्हें बाबा की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए तुम जानते हो भगवान पढ़ा रहा है श्रीमत दे रहा है तुम्हें उस पर कदम कदम पर चलना है वरदान है स्वमान की सीट पर सेट रहकर माया को सरेंडर कराने वाले स्वमानधारी बनो देखो बहुत सुंदर बात है माया कितनी प्रबल है लेकिन वो सरेंडर कर देगी उनके सामने जो स्व स्वमानधारी होंगे सबसे बड़ा स्वमान बाबा ने तुम्हें दिया है मास्टर सर्वशक्तिवान हो इस स्वमान की सीट पर सदा ही बैठे रहो तो माया सरेंडर करती रहेगी और तुम माया से मुक्त हो जाओगे क्योंकि कोई भी राजा या बड़ा अधिकारी जब सीट पर है तभी उसकी आज्ञा का सब पालन करते हैं तुम भी सीट से नीचे कभी भी नहीं उतरो स्लोगन है साक्षीपन की सीट पर रहकर सच्चा जो दिलाराम है बाबा उसके साथ का अनुभव करने वाले ही लवली है तो आज हम इस स्लोगन को भी याद रखेंगे जो साक्षी भाव में स्थित रहते हैं वही साथी के साथ का अनुभव करते हैं तो बाबा मेरे साथ है और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ सर्वशक्तिवान शिव बाबा सिर के ऊपर छत छाया है साथ ही है इसका अभ्यास हर घंटे में दो बार करेंगे तो जनवरी का आज का दिन हमें बहुत पावरफुल अनुभूति देगा ओम शांति टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब डॉट कॉम स्लैश टीवी पीस ऑफ माइंड जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ